पहला क्लास लेने जा रहे हैं। आज जीके का जो है वो फर्स्ट क्लास है और पहला चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग आज जीके में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं पीछे क्लास में कि जीके को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके बुक को फिल करना है या फिर कॉपी बनाना है या फिर उसको लर्न कैसे करना है, कैसे कैसे उसको हम लोग फील करेंगे बुक को जो हम जैसे हम बताएंगे वैसे करके, और उसके बाद उसके फिर कॉपी में कैसे उसको लिखेंगे, वर्ड मीनिंग कैसे जो इसमें हार्ड वर्ड मीनिंग हो, जो कि हम पहले क्लास में आपको आप लोगों को पढ़ाने के टाइम बताते थे कि जो भी वर्ड इसमें डिफिकल्ट लगे कि ये वर्ड हमको नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप अलग लिखकर एक दूसरे कॉपी में नोटबुक में, और उसको जब डाउट क्लास हो या कभी ये जब प्रॉब्लम पूछा जाए उस टाइम आप उसको क्लियर करने के लिए आप पूछ सकते हैं, आप उसमें डाउट क्लास में उसको डाल सकते हैं कि ये मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें डाउट क्लास में पूछ के उसको क्लियर करेंगे और फेयर कॉपी तैयार करेंगे जैसे कि हम तो पहले करते थे, और पेरेंट्स का हेल्प लेकर उसको पूरा अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो है आप लोगों को जीके का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का वो है आवर बिग फ्रेंड्स, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, पंखों वाला दोस्त। जैसे कि आप हम जो है अपने चारों तरफ बहुत सारे पंखों वाले बर्ड देखते हैं, जो कि बर्ड उल्टा है, जो जैसे ऐसे बर्ड जो है वर्ल्ड में बहुत सारा है, जैसे कि आसपास जो है किसी का पंख चमकीला होता है, किसी का चोंच चमकीला होता है, इस तरीके से कोई कलरफुल होता है, कोई ब्राइट कलर का होता है, इस तरीके से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो हमारे चारों तरफ जो है वो दिखते रहते हैं। तो उसी में से कुछ बर्ड्स जो है बर्ड्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो है वो विंग फ्रेंड होते क्या है, मतलब कि ये पंखों वाले दोस्त होते क्या है, तो इसको हम बर्ड मतलब कलरफुल बर्ड बोलते हैं जो हम लोग के आसपास जो है वो मिलते हैं, देखने को देखते रहते हैं हम लोग। तो जैसे है कि विभिन्न प्रकार के जो है वो चारों तरफ हम लोगों के पॉपुलर कुछ बर्ड हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें है पहला जो है वो है मकाऊ। मकाऊ जो है वो मकाऊ होता क्या है, जो हम लोगों का बर्ड है उसमें एक टाइप आता है मकाऊ। तो मकाऊ जिसको बोलते हैं ये टाइप सब जो है पैरोट, यहाँ है पैरोट का टाइप होता है मकाऊ। तो पैरोट होता क्या है, पैरोट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तोता बोलते हैं। तो तोता ये एक प्रकार का जो है मकाऊ जो है वो तोता है। तो टाइप्स ऑफ पैरोट लॉन्ग टेल डॉग टेल कलरफुल बर्ड न्यू वर्ल्ड पैरोट दे आर पॉपुलर इन कंपेनियन पैरोट्स, यानी कि ये एक प्रकार का पैरोट होता है, तोता होता है, और इसका जो पूंछ होता है वो बहुत लंबा होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि मकाऊ कौन है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग बच्चों? तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे कि ये एक प्रकार का तोता होता है और इसका जो टेल होता है यानी पूंछ होता है वो बहुत ही लंबा होता है, और ये कलरफुल बर्ड है, यानी कि कलरफुल का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि बहुत से कलर का वो कलरफुल बर्ड होता है। और ये जो है ये वर्ल्ड में ये पैरोट है और ये पॉपुलर पैरोट है, इसको हम बहुत सारे लोग जो है वो वर्ल्ड में जानते हैं। तो मकाऊ के बारे में हम लोग पढ़े कि ये एक प्रकार का पैरोट है, मतलब कि एक प्रकार का पैरोट मतलब तोता होता है, और इसका जो टेल होता है वो बहुत ही लंबा होता है और ये कलरफुल होता है, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को समझ गए। दूसरा है इसमें कॉकटू। अब जो है ये जो कॉकटू है वो क्या है, ये जो इसके जो है 21 पैरोट स्पेसीज में से ये एक होता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो पैरोट का ही एक टाइप है। हम पैरोट के जो टाइप बहुत सारे होते हैं उसमें से एक
उसके बाद दूसरा क्या है टू, तो इसमें क्या है, इसमें सी दिया हुआ है, सी के दिया हुआ है, टी ओ दिया हुआ है, बाकी जो बचा आपको इसमें भरना है। फिर थ्री क्या है, थ्री है ब्लू जेड, तो ब्लू का स्क्रीन क्या होता है वो यहाँ फिल कर देना है, जो आपका क्या होता है उसको यहाँ फिल कर देना है। फिर है टोकन, अब ये टोकन वर्ड है और ये जो जो कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं उसमें उसमें जो ये बचा हुआ है टी यू और ये दिया हुआ जो बचा उसको यहाँ फिल करना है। फिर है किंगफिशर, और किंगफिशर क्या है तो ये भी एक वर्ड है और इसको इसमें जो है जो बचा हुआ है के एन जी आई एस का दिया हुआ है जो बचा उसको उसमें फिल करना है। फिर है हुक, एच ओ पी दिया हुआ है जो बाकी इसमें बचा उसको फिल करना है। ठीक है, अब आप फिगर देखेंगे और उसके बाद इसको फिल करके इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपका इसमें एक क्वेश्चन बनता है, टेल योर क्लास द नेम्स ऑफ 23 वर्ड्स यू सी नियर योर होम, मतलब कि आपके घर के चारों तरफ कोई तीन जो वर्ड है वो आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है वो आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे कौन कौन से वर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जैसे कौवा हुआ, उसके बाद हम और क्या क्या देखते हैं, पीजन देखते हैं, कैटल देखते हैं यानी कि बगुला देखते हैं, और बहुत सारे हैं जो आप लोगों को लगे कि हाँ ये हम हमेशा देखते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, थ्री वर्ड्स को लिखना है और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। इस तरह से जो है आपका जो ये बीइंग फ्रेंड है चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ और आपको जो है ये जो बीइंग फ्रेंड्स के बारे में हम अभी बताएं उसको ठीक से स्टडी करना है। फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो आपको इसका वर्ड मीनिंग भी लिखना है, जैसे कि हम आपको पहले क्लास में आपको बता चुके हैं कि जो भी आपको हार्ड वर्ड लगता है उसको आप एक कॉपी में नोट करो और उसके बाद उसका मीनिंग जो भी हो उसको लिख के उसके बाद उसको लर्न करो, फिर उसको चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे जैसे हम बताया हुआ पहले वैसे वैसे ही उसको करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको डाउट क्लास में पूछ सकते हैं और उसके बाद कॉपी जो फेयर का कंप्लीट जैसे जैसे कर लेंगे वैसे वैसे नोटबुक को आप उसमें हम उसे चेक करवाते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।